बेंगलुरु में अपनी नाराजगी की खबर को नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा हमारी सारी बातें मानी गई, पूरी मजबूती के साथ विपक्ष लड़ेगा एक साथ। मॉनसून सत्र में कुल 31 बिल लाएगी सरकार, लिस्ट में यूसीसी का जिक्र नहीं, सर्वदलीय बैठक में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। गोवा में पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार की पहल, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा फैसला, पहली जनवरी से चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी और बाइक। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, करंट लगने से 16 लोगों की मौत, कुल 25 लोग झुलसे, मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा, घायलों को 1 लाख देगी धामी सरकार। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबले की सामने आई तारीख, 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में होगी भिड़ंत।